जनाब ओ लेवल्स मैथ्स मई जून 2022 का पेपर कर रहे हैं, पेपर 1 वेरिएंट 2। जनाब सबसे पहले हमें यहाँ पर एलसीएम लेना है। एलसीएम बनाने के लिए इसको अपॉन में अगर हम 6 बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये हो जाएगा 4 ओवर 6, और ये लिखा हुआ है 1 ओवर 6। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 5 ओवर 6। 0.4 इंटू 0.2, 0.4 को लिखेंगे 4 ओवर 10, 0.2 को लिखेंगे 2 ओवर 10। 4 इंटू 2 हो गया 8, डिवाइड में 100। जनाब 2 जीरो हैं तो डेसिमल भी 2 के बाद आएगा, मतलब 0.08। तो कह रहे हैं आयशा आस्क अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट देयर फेवरेट फ्रूट, द टेबल एंड पिक्टोग्राम शो सम ऑफ द रिजल्ट्स। तो बनानास और एप्पल्स, ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो सर्किल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4 लोगों को। तो अगर ये 4 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बनानास कितने हैं हमारे पास, 3 इंटू 4, दैट इज 12। मेलन्स हमारे पास 4 हैं और मजीद 3 हैं तो 7 हो गए। अच्छा जी, एप्पल्स अगर हमें शो करने हैं तो इसका मतलब है कितने सर्कल्स बनाएंगे हम, 2 सर्कल्स बनाएंगे, राइट। और इसी तरीके से ऑरेंजेस हमें 5 बनाने हैं, तो 5 ऑरेंज का मतलब है कि बेटा जी एक बनेगा सर्किल, और एक जो हमें दिखाना है वो क्वार्टर से दिखा दें हम। क्वार्टर का मतलब है ये ऐसे, ठीक है। वो कह रहे मॉड बताओ, मॉड का मतलब है सबसे ज्यादा जो आया, तो सबसे ज्यादा क्या आया बेटा बनाना। अच्छा जी, क्वेश्चन में कह रहे हैं ए एंड बी आर वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, द लाइन एल इज द सिमेट्री ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो अगर ये सिमेट्री है, सिमेट्री का मतलब है कि हमें उसकी उस तरफ देखना है, रिफ्लेक्शन है ये लाइन, तो बी को देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा और ए को देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब बेटा बी वहां चला गया, जब बी वहां चला गया तो इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए बेटा 4,2, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो क्या बन जाएगा, 3,4। द टेम्परेचर इनसाइड ल्यूक्स हाउस इज दिस एंड आउटसाइड इज दिस, डिफरेंस मांग रहे हैं। तो ज्यादा टेम्परेचर में से जो कम टेम्परेचर है उसको माइनस कर दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ल्यूक्स थर्मोमीटर मेजर्स द टेम्परेचर करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्री। जनाब एक्यूरेसी हो जाएगी डिग्री का आधा, मतलब 0.5, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। वो कह रहे हैं मिड नाइट पे जो थर्मोमीटर है वो दिखा रहा है -6, तो वो कह रहे हैं इसकी अपर वैल्यू बताओ। तो जनाब -6 में प्लस माइनस करेंगे 0.5, तो -0.5 से लेकर -6.5 तक की रेंज आ गई हमारे पास, कि भाई वैल्यू यहाँ से यहाँ तक वैरी कर सकती है। अब वो इसका अपर बाउंड पूछ रहे हैं, अपर बाउंड मतलब बड़ी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू ऑब्वियस सी बात है -5.5 है, -6.5 कम है क्योंकि नेगेटिव टेम्परेचर है। द स्केल ड्राइंग शोज द पोजीशंस ऑफ 2 विलेजेस ए एंड बी 1 सेंटीमीटर टू 2 किलोमीटर। वो कह रहे हैं एक्चुअल डिस्टेंस निकालो। तो बेटा जी आप इसको स्केल से नापोगे और स्केल से नापने के बाद आप इसको 2 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे। वो कह रहे हैं मेजर द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। जनाब यहां से यहां हमें पूरा नापना है, तो उसके लिए आप क्या करो बेटा, यहां पर आप डी रख दो और डी रखने के बाद ये वाला एंगल नाप लो। तो जितना ये एंगल होगा उसको आप 360 में से माइनस कर देंगे। तो जनाब आपको कौन सा एंगल निकालना है, आपको एन बी ए निकालना है। नॉर्थ से शुरू करेंगे
नॉर्थ से बी पे आएंगे, फिर बी से ए पे जाएंगे। वो कह रहे कबीर ने इन्वेस्ट किए $250 सेविंग्स अकाउंट में, रेट उसका था 1.5%। पहले हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट वैल्यू। इंटरेस्ट होता है बेटा प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट परसेंट और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स। यहां से हमें मिल जाएगा इंटरेस्ट, क्योंकि ये पेपर टू खोल लिया मैंने, जबरदस्त पेपर वन खोलना था मैंने, पेपर टू मैंने पेपर वन खोला था तो यहाँ पर अच्छा 22 को मैं पेपर टू वेरिएंट टू समझ रहा हूँ, सॉरी बेटा। जनाब 1.5 250 को पहले आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 हो जाएगा। 1000 को हम इसको 15/1000 कर देते हैं, 1000 1000 कैंसिल, इंटरेस्ट आ गया 15। तो फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा, इनिशियल कितना था बेटा 250, इसमें इंटरेस्ट कितना कमाया 15, बेटा ये कितना हो गया 265। किसका पहले इंटरेस्ट निकालते हैं और इंटरेस्ट निकालने के बाद फिर उसमें प्लस कर देंगे। वो कह रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, शेडेड एरिया निकालें। ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है जनाब मिलीमीटर स्क्वायर में, जनाब 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर, तो 85 × 1 मिलीमीटर × 1 मिलीमीटर की फॉर्म है ये एरिया, चाहिए तो बेटा जी इसको हम क्या करेंगे, ये बन जाएगा बेटा 1 मिलीमीटर। हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो जनाब 100 से एक मरतबा डिवाइड करेंगे, फिर दोबारा डिवाइड करेंगे, क्या बन जाएगा बेटा ये 0.20 और फिर 85। बात समझ आ गई, तो टोटल में से हमें माइनस करना है 0.0085, जहां भी कितना बन जाएगा 8.0015। तो ए की वैल्यू निकालनी है, पेंटागॉन दिया हुआ है, पेंटागॉन का टोटल एंगल निकाल ले बेटा, ये 180 मल्टीप्लाई होगा एन माइनस टू से, मतलब 5 - 2 से, तो टोटल एंगल आ जाएगा हमारे पास 540। तो जनाब जो 540 है ये टोटल एंगल है, मतलब 110 प्लस 95 प्लस 125 प्लस 65 प्लस ए, तो उनको प्लस कर लेते हैं बेटा, 110 और 95 हो गया 205, 205 और 5 210, 210 और 20, 230, 230 और 100, 330, 330 और 5, 335, 395, 395 यहाँ से माइनस करना है तो बेटा ये आ गया 145। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपने पैटर्न कंप्लीट करना है, 3-3 का डिफरेंस है, तो सीधा सीधा आप यहाँ पर 11 के बाद 14 और 14 के बाद 17 रख देंगे। जनाब अगर 3-3 का डिफरेंस है तो हम इसको 3 × 1 + 2, इसको 3 × 2 + 2, 3 × 3 + 2, तो बेसिकली ये क्या बन गया 3 × n + 2। अगर शानी के पास 100 काउंटर हैं, उसने पैटर्न 20 बनाना है, शी यूजेस ऑल ऑफ द रिमेनिंग काउंटर्स टू मेक पैटर्न के, पहली बात उसने पैटर्न 20 बनाना है, तो 3 × 20 + 2, तो जनाब हमारे पास 62 काउंटर्स यूज हो गए, तो कितने काउंटर रह गए 38 रह गए। अब वो कह रहा है 38 से मुझे दोबारा से एक और बनाना है पैटर्न, तो कौन सा पैटर्न है, उसको पैटर्न कह रहे हैं के, तो ये इक्वेट हो जाएगा पैटर्न के से, मतलब 3k + 2 से, तो बेटा ये हो जाएगा 36 = 3k और k की वैल्यू आ गई 12। बात समझ आ गई, फिर समझ आ गई, बस घूम करे जा रहे हो। अब बैग कंटेन्स रेड बॉल्स ब्लू बॉल्स एंड ग्रीन बॉल्स, तो
रेड का रेशो ब्लू के साथ, रेड और ब्लू दिया हुआ है 3/8, और ग्रीन और ब्लू का रेशो दिया हुआ है 2/5। तो पहली बात इनको सेम होना पड़ेगा। तो पहले इनको सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए मैं ब्लू को यहां पर 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड और यहां पर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 15/40, और यहां पर कितना हो जाएगा 16/40। तो इसका मतलब है कि 15 जो है वो रेड है, रेड का पोर्शन है, 16 जो है वो ब्लू का सॉरी ग्रीन का पोर्शन है, और 40 जो है वो ब्लू का पोर्शन है। तो 40 का जो ब्लू का जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा बेटा, 40 आउट ऑफ टोटल, तो कितना है टोटल 71। ठीक है बेटा, क्लियर? फिगर आपको दी हुई है, वो कह रहे हैं x एक पॉइंट है, वो कह रहे हैं एंगल बाइसेक्टर बनाओ PSR का। PSR का एंगल बाइसेक्टर कैसे बनता है आपको सिखा चुका हूं मैं जनाब। एंगल नाप के या तो आधा कर दें, या फिर आप क्या करें, यहां से एक आर्क लगाएं यूं, फिर यहां से एक आर्क लगाएं यूं, फिर यहां से एक और आर्क लगाएं, तो जहां ये मीट करेगी उसको अपने पॉइंट से आप छोड़ दें, जनाब ये आपका बन गया एंगल बाइसेक्टर। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं एक्स एक पॉइंट है जो कि पी क्यू आर एस के अंदर है, वो कह रहे हैं पी एस से क्लोजर है और आर एस से दूर है, तो वो वाला रीजन हम शेड कर देंगे जो कौन सा वाला है बेटा, पी एस की तरफ वाला है। हमने वो रीजन शेड कर दिया जो पी एस की तरफ वाला है जनाब। अब वो क्या कह रहे हैं, और कुछ नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर भी लिखो। तो पहली बात हमें 1, 2, 3 तीन डेसिमल शिफ्ट करने पड़ेंगे, और तीन डेसिमल जो हम शिफ्ट कर रहे हैं तो ये नंबर था छोटा, छोटा नंबर लिखा जाता है 10^-, के साथ, बड़ा नंबर लिखा जाता है 10^+ के साथ। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। 3 सिग्निफिकेंट का मतलब है 2.03 तक होना चाहिए था। 2.03 के जो आगे नंबर्स हैं वो 500 से बड़े हैं, इसका मतलब है जब राउंड ऑफ करूंगा तो ये 2.03 नहीं रह जाएगा बल्कि 2.04 बन जाएगा, क्योंकि इसको मैंने राउंड ऑफ करना है, तो वो जो 561 है वो राउंड ऑफ होके बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वो कह रहे 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखो, तो जनाब 3.93 करीब है किससे, 4 से, 63.7 करीब है बेटा किससे, 60 से, 0.425 किससे करीब है बेटा, 0.4 से, तो इसको लिखेंगे 4, इसको लिखेंगे 60, इसको लिखेंगे 0.4। जनाब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 60/0.1 बेटा, 0.1 का मतलब है 1/10, ये 10 ऊपर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा 600। वो कह रहे 9 का रूट लो, पता है हमें 3 होता है, वो कह रहे 64 का क्यूब रूट लो, तो भाई 4 का क्यूब होता है 64, तो 64 का क्यूब रूट हो जाएगा 4, है ना, होल स्क्वायर है ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर बेटा, ये होता है 144। जनाब 4.5 और 5.5 के दरमियान वो कह रहे हैं कोई ऐसा रैशनल नंबर लिखो जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। जनाब 4.5 का मतलब है 9/2, और जनाब ये कितना हो जाएगा, 5.5 का स्क्वायर 5.5 हो जाएगा 11/2। इरेशनल का मतलब है जो रूट में हो। जनाब इसका अगर मैं रूट ले लूं, स्क्वायर कर दूं, हो जाएगा 81/4,
और ये क्या हो जाएगा 121/4। तो इसका मतलब है 81/4 से लेकर 121/4 के दरमियान जितने नंबर हैं रूट में वो सारे के सारे क्या हैं? इरेशनल। क्योंकि 81/4 तो रूट से बाहर आ जाएगा, 121/4 भी रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन कोई बीच का नंबर ले लो, जैसे कि रूट आपने लिख दिया 82/4, कोई भी लिख सकते हो आप 83/4, 85/4, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो कितना हो जाएगा ये 41/2, ये आपका इरेशनल नंबर। सही है। राइट दीज नंबर इन ऑर्डर ऑफ साइज। जनाब 2000 को हम लिख लेंगे 2 × 10 का क्यूब, इसको लिख लेंगे 1, 2, 3, ये हो जाएगा 2 × 10 की पावर -3। जनाब 2 × 10 की पावर -4 सबसे छोटा है, फिर -3 वाला जो है वो उससे बड़ा है, फिर -2 वाला थोड़ा और बड़ा है, और 2000 जो है वो सबसे बड़ा है। वो कह रहे हैं ए और बी की वैल्यू निकालो। जनाब ए मल्टीप्लाई बाय 10^-7 है, जनाब डिवाइड बाय 5 का मतलब है कि अगर कोई वैल्यू डिवाइड बाय 5 हो रही है तो उसको हम x/5 लिख सकते हैं, और हम इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो हम इसको 2x/10 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो डिवाइड बाय 5 जो है उसको हम मल्टीप्लाई बाय 2/10 भी लिख सकते हैं। ये बात समझ आ गई कि अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो उसको हम 2/10 भी लिख सकते हैं। जनाब ये हो जाएगा 2a × 10^-7 है, नीचे वाला 10 ऊपर आएगा, -1 हो जाएगी, और ये 10^b है। ये हो गया जनाब 2a 7 और 1, ये हो जाएगा -8+b, बेस सेम पावर ऐड होती है। वो कह रहे हैं ये इक्वल है इसके 4×10^-16 के। कंपेयर करो तो नंबर नंबर से कंपेयर होगा, मतलब 2a कंपेयर होगा 4 से, तो a कितना है बेटा 2 आ गया। पावर पावर से कंपेयर होगी तो -8+b कंपेयर होगा -16 से, तो बेटा b कितना आ गया -8। समझ आ गई बात। वो कह रहे हैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बेटा y इक्वल्स टू k x-1 का होल स्क्वायर। जनाब यहाँ पर y हमें दिया हुआ है 32, k हमें अननोन है, x हमें दिया हुआ है, तो जनाब यहाँ पर हो जाएगा 32, k हमें अननोन है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 को वहां ले आकर डिवाइड करेंगे तो k आ गया 2। दोबारा से लिख लो इसको, k की जगह पर 2 डाल दो। अब वो कह रहा है y निकाल लो अगर x की वैल्यू -2 है, तो ये बन जाएगा बेटा -3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर करोगे +9 आएगा, और 9 × 2 = 18। जनाब हमें ग्राफ दिया हुआ है, करें बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू -1। जनाब -1 के ऊपर हमें एक अदद लाइन बनानी है, तो जनाब -1 के ऊपर मैं एक अदद लाइन बना रहा हूं, तो -1 के ऊपर मैं एक अदद लाइन बना रहा हूं, और ये ऊपर भी होनी चाहिए और नीचे भी होनी चाहिए। और अब वो कह रहे हैं
या इसका ग्रेडियंट एस्टिमेट करूं। तो इसके ग्रेडियंट के लिए आप ना ये वाला पॉइंट मार्क कर लें, ये वाला पॉइंट जब मार्क करेंगे तो ये है -1.9, 7, और ये वाला जो पॉइंट है बेटा ये कितना है 1.1, 0। तो ग्रेडियंट कैसे निकलेगा बेटा, y2 - y1, 7 - 0 अपॉन x2 - x1, मतलब -1.9 - 1.1 कितना हो जाएगा बेटा, ये 7 / -3। ठीक, अब कह रहे हैं बाय ड्राइंग अ सुटेबल स्ट्रेट लाइन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब x³/5 - 3x, अगर मैं x³/5 - 3x की वैल्यू निकालूं तो बेटा ये बनती है y - 2, है ना। तो इसका मतलब है इसकी जगह पर मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, y - 2। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, y - 2 = 0, जो कि क्या बनेगा y = 2। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, y = 2 पे लाइन बनाएंगे, y = 2 पे हमने लाइन बना ली। और अब देख लें कि इसका आंसर क्या है, तो जनाब इसका आंसर क्या है देख लें, फिर ये यहाँ मीट कर रही है तो आपको पता ही है, तो ये यहाँ मीट कर रही है, इसका आंसर देख लें। तो जनाब ये कितना है, ये है -3.85। तो एक आंसर है जनाब -3.85, एक और आंसर क्या है 0, एक और आंसर क्या है 3.85। ठीक है, ओके। ईच डायगनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्यू डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, ड्रॉ अ रिंग अराउंड ईच ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स इन द रिस्ट फॉर व्हिच रेयान्स स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। टू कॉन्ग्रुएंट आइसोसेलेस ट्राइंगल बनते हैं, जनाब पहले स्क्वायर बना लो, फिर रेक्टेंगल बना लो, फिर रोम्बस बना लो, फिर उसके बाद पैरेललोग्राम बना लो, फिर उसके बाद ट्रेपेजियम बना लो, उसके बाद काइट बना लो। अब वो कह रहे हैं कि क्या करो, ईच डायगनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्यू डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। तो इसके डायगनल्स पे जब तुम मिलाते हो तो ये वाली साइड बराबर होती है ना, अगर हम एक ही डायगनल बनाएं, ये वाली साइड बराबर है, ये वाली साइड बराबर है। अच्छा, ईच डायगनल का मतलब है दूसरा डायगनल भी, वैसे बनाते हो तो भी बनता है, तो स्क्वायर में तो बनता है, रेक्टेंगल में भी बनता है। अब इसको बनाओ, ये आइसोसेलेस है, ये भी आइसोसेलेस है, ये आइसोसेलेस है, लेकिन जब इसको तुम मिलाते हो तो आइसोसेलेस थोड़ी, तो रोम्बस पे बनेगा, रेक्टेंगल पे नहीं बनेगा, पैरेललोग्राम पे भी नहीं बनेगा, ट्रेपेज़ियम में, काइट में जब तुम यू ज्वाइन करते हो तो ये तो बराबर होता है, देखो टू कॉन्ग्रुएंट ये बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, सिर्फ क्या बनेगा स्क्वायर और रोम्बस। वो कह रहे ए एक्स डी आर एंड सी एक्स डी, एक्स मिड पॉइंट है, ए सी पैरेलल है, शो करो कि ये ट्राइंगल उसके कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, और ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ये एंगल बराबर है। अच्छा, एक्स ए बी का मिड पॉइंट है, तो ये लेंथ बराबर है, तो इसका मतलब ए एक्स बराबर है बी एक्स के, क्योंकि वो है
लेंथ बराबर है, ये एंगल बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हैं, ए एक्स सी बराबर होगा किसके, बी एक्स डी के। अच्छा जी पैरेलल लाइंस हैं तो ये वाला एंगल बराबर होगा इसके, तो एंगल कौन सा, एक्स ए सी बराबर है किसके, एक्स बी डी के, तो कौन सा है, उससे प्रूव हो गया एंगल साइड एंगल से प्रूव हो गया। सही, फंक्शन दिया हुआ इनवर्स निकालना है, वाई सपोज कर लें, वाई सपोज करने के बाद यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लें, एक्स की वैल्यू निकालने के बाद ये आपका बन जाता है एफ इनवर्स ऑफ वाई, जो एफ इनवर्स ऑफ वाई होता है वही आपका एफ इनवर्स ऑफ एक्स भी होता है। आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, वो कह रहे हैं इनको कंबाइन कर दो, तो ए आएगा, ई आएगा, एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा, आई आएगा और जे आएगा। पहले जनाब हम निकालेंगे क्यू यूनियन आर, क्यू यूनियन आर का क्या मतलब है, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा, आई आएगा, जे आएगा। अब वो कह रहा है पी कॉम्प्लीमेंट, पी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, पी के अलावा, तो पी में ए है लेकिन बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई है, जे नहीं है। अब वो कह रहे हैं इनमें कॉमन बताओ, तो इनमें कॉमन कौन है, सी कॉमन है, डी कॉमन है, एफ कॉमन है, जी कॉमन है, एच कॉमन है, जे कॉमन है, कितने कॉमन है, 1 2 3 4 5 6 कॉमन है। वो कह रहे हैं यूज सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब द शेडेड सबसेट इन द वेन डायग्राम, ये जो रीजन है ये बी के तो अलावा है, ठीक है, और ये जो रीजन है ये ए और सी का इंटरसेक्शन है, बी के अलावा है और ए और सी का इंटरसेक्शन, ठीक। जनाब ए डी बी का एंगल मांग रहे हैं और ए ओ बी दिया हुआ है, हमें पता है कि अगर हम इस वाली कॉर्ड को देख रहे हैं तो इस कॉर्ड के सामने सेंटर से ये एंगल है और इसी कॉर्ड के सामने जब मैं सरकमफेरेंस से देखूंगा तो वही एंगल क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, तो इसका मतलब है ये हाफ होगा किसका, ए ओ बी का। अच्छा एग्जामिनर डिस्करेज करता है कि आप डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, आपको बताना पड़ता है, रीजन ना दें भले कैलकुलेशन लेकिन देनी पड़ेगी आप। अब वो क्या मांग रहे हैं, बी सी डी, अच्छा ये 70 है, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि आइसोसेलेस बनता है, क्योंकि ये रेडियस और ये रेडियस बराबर होता है। अच्छा जी तो ये कितना हो गया, अगर ये 70 है तो कितना रह गया, 110 रह गया, 110 का मतलब है ये 55 होगा और ये भी। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब है सामने वाला, 180 से माइनस करके निकाल लूं, तो जनाब 180 माइनस कितना, डी ए बी, तो कितना आ जाएगा बेटा, 125, ठीक है, क्लियर है। फैक्टराइज करना है, पहले मल्टीप्लाई कर लें, तो 4 और 6 हो जाएगा बेटा -24, तो इसका आप 24 लिख लें, 24 के फैक्टर्स ढूंढने, तो 2 × 12 होता है, 3 × 8 होता है, 4 × 6 होता है, तो इस माइनस का मतलब है आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप 8 में से 3 को माइनस करें, 12 में से 2 को माइनस करें, 6 में से 4 को माइनस करें, ये बननी चाहिए मिडिल टर्म, तो जनाब मिडिल टर्म कितनी है, 5, तो इसका मतलब है कि 8 माइनस 3 करना पड़ेगा, इसका मतलब है मिडिल वाले को ब्रेक करना पड़ेगा 8 माइनस 3 में, ये आपकी मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। ओके पहले 2 में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, एक्स कॉमन, बचेगा x+2, अगले में माइनस कॉमन है और 3 कॉमन है, क्या बचेगा, x+2, जनाब x+2 दोबारा कॉमन है, क्या बचेगा, 4x-3 आंसर है आपका। जनाब पावर -1/2 उल्टा कर दो,
नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। जनाब हाफ का मतलब क्या होता है कि पावर हाफ कर दो, सिक्स का हाफ करो थ्री रह जाएगा, हाफ का मतलब होता है रूट, तो 16 का रूट ले लो फोर आ जाएगा। अ बैग कंटेन्स दीज नाइन लेटर टाइल्स, नूर टेक्स वन टाइल फ्रॉम द बैग एट रैंडम, शी नोट्स द लेटर एंड देन पुट्स द टाइल बैक इन द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डज नॉट टेक अ लेटर ई। ई कितने है भाई, दो है ना, तो ई की प्रोबेबिलिटी है 2 out of 9, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए तो 1 में से माइनस कर दें। तो ई कितने थे, 2/9, तो हमें जो नहीं चाहिए वो कितने हो जाएंगे, 7/9। अगर नूर नाउ टेक्स टू ऑफ द लेटर टाइल्स एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टाइल्स शो द सेम लेटर। तो एस के साथ एस हो या फिर क्या हो, ई के साथ ई हो, और की पॉसिबिलिटी रिपीट हो रहा है। एस कितने, 3, पहला एस आएगा 3 out of 9, अगला एस आएगा 2 out of 8। ये बात समझ आ गई। अच्छा जी, और का मतलब है प्लस, पहला ई आएगा 2 out of 9, अगला ई आएगा 1 out of 8। ठीक, द डायग्राम शोज द मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 3, कैलकुलेट द एरिया। एरिया निकालने के लिए आपको ये वाला एंगल चाहिए होगा, ये एंगल कितना आएगा बेटा, 360 में से माइनस कर दो 80 को, तो कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। तो जनाब थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, तो जनाब ये हो गया 28/36। 4 के टेबल में आ रहे हैं, तो 4 7s और 4 9s इंटू पाई आर स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, कितना आंसर आया बेटा, 7 पाई। ठीक है, समझ आ गया जनाब। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, हो जाएगा 2 - 5x, 3 मल्टीप्लाई होगा तो बेटा हो गया 9x+30, जनाब ये हो जाएगा 2 - 30, ये हो गया 9x+5x, ये हो गया -28, ये हो गया जनाब 14x। 14 को डिवाइड करा दें तो -28 को डिवाइड करा दें 14 से, तो एक्स बराबर आ गया -2। ओके, वो कह रहे हैं इसको सिंगल फ्रैक्शन के तौर पे लिखो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई होगा 2x+1 से और 5 मल्टीप्लाई होगा x-2 से, और अपॉन में आएगा जनाब x-2 multiplied by 2x+1। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, हो जाएगा 6x+3, फिर जाएगा 5x -+5, 2s are 10। ये क्या हो जाएगा बेटा, नीचे पहले x मल्टीप्लाई होगा 2x से, तो ये हो गया 2x2, फिर x मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 2x से, ये हो गया 4x, और फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये हो गया जनाब x+13, और ये हो गया जनाब 2x² - 3x-2। समझ आ गई बेटा बात, तो मसला इस पर क्लियर क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि ओ ए बी सी और ओ बी की वर्ड दोनों पैरेललोग्राम। वो कह रहे हैं ए पॉइंट है ओ बी पे और सी पॉइंट है ओ आर पे। करें ओ ए और ओ पी का रेशियो 1:4 है, तो ओ ए अगर 4 है, ए है तो ओ पी 4 टाइम्स है, तो इसका मतलब ये हिस्सा रह जाएगा 3 है। ठीक, वो करें ओ से सी और सी से आर रेशियो है 2:3 का, तो जनाब ये हमारे पास 2 हिस्सा है और ये हमारे पास 3 हिस्सा है। ठीक, चाहिए अब वो कह रहे हैं ओ आर निकालो, तो ओ आर निकालने के लिए मैं देखूं कि भाई ओ सी और सी आर की अगर हम बात करें, भाई ओ आर जो है अगर उसको हम ओ सी से डिवाइड करें, तो ओ आर के पास कितने हिस्से आ रहे हैं, ओ आर के पास पूरे कितने हिस्से आ रहे हैं, 5 हिस्से आ रहे हैं, और ओ सी के पास कितने हिस्से आ रहे हैं, 2 हिस्से आ रहे हैं। तो ओ आर निकालने के लिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं,
ओ सी बराबर आ गया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं सी से क्यू जाना है, तो सी से क्यू जाने का मतलब है ये आपको जाना है, तो सी से हमें क्यू जाना है, क्यों जाना है वैसे, क्यों जाना है भाई, नहीं जाना। तो सी से आर जाएंगे पहले, फिर आर से क्यू जाएंगे, तो सी से क्यू पहुंच जाएंगे। तो सी से क्यू का मतलब है पहले आप सी से आर चले जाओ और फिर आर से क्यू चले जाओ। सी से आर दो हिस्से थे, देखो सी से आर तीन हिस्से थे, और ओ से सी कितने हिस्से थे, दो हिस्से थे। तो सी से आर क्या हो गया बेटा, 3/2 सी हो गया, तो ये बन गया 3/2 सी। और क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये और ये बराबर है, तो ये भी 4 है तो ऊपर वाला भी 4 है। अब वो कह रहे हैं जनाब ओ ए बी सी, ओ ए बी सी का रेशो निकालो ओपी क्यू आर से, ओपी क्यू आर से। तो जनाब आपको एरिया का रेशियो निकालना है, तो एरिया के रेशियो के लिए आपको कोई एक साइड चाहिए होती है। तो अगर आपको ओ ए बी सी का रेशियो निकालना है ओ पी क्यू आर से, तो सबसे बेस्ट है कि आप इसकी साइड ले लें ओ ए और इसकी साइड ले लें ओ पी, लेकिन इनके रेशियो का स्क्वायर करना होता है क्योंकि एरिया है, वॉल्यूम होगा तो क्यूब होता है। तो ओ ए दिया हुआ था बेटा ए और ओ बी दिया हुआ था 4, तो सीधा सीधा ये रेशियो कितना आ गया बेटा, 1:16। बात समझ आ रही, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 1/16 और यहाँ रेशो लिख देते हैं हम 1:16। समझ आ गया बेटा, तो प्रॉब्लम।